नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए बनाऊंगी पनीर से बनने वाले कलाकंद। ये बिल्कुल होममेड रेसिपी है और बहुत ही जल्दी बन जाती है, बिल्कुल टाइम नहीं लगता है इसके लिए आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए, मैंने लिया है दूध। दूध हम मैंने भी आपको एक गिलास दिखाया है, हम 1 लीटर दूध यूज़ करेंगे। कोई सा भी मिल्क आप ले सकते हैं। और लेंगे हम चीनी, चीनी मैंने करीब 250 ग्राम ली है। और लिए हैं मैंने पिस्ते, पिस्ते मैंने 4 लिए हैं। इनको हम छिलके निकाल लेंगे और फिर जो ये पिस्ता है उसको हम अच्छे से थोड़ा सा कट कर लेंगे चाकू से। और लेंगे हम नींबू, नींबू का रस हम निकाल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा दूध है दूध को हम बॉईल करने रखेंगे और उसमें हम नींबू का रस डाल देंगे। पूरा 1 नींबू का रस अच्छे से डाल देंगे, और वो भी कब डालेंगे, जब दूध हमारा बॉइल्ड हो जाएगा। और नींबू का रस डालने पर उसको हल्का हल्का चलाते रहेंगे और गैस हम रखेंगे बिल्कुल हल्की। उससे आपको आपको पता लग जाएगा, दूध अलग हो जाएगा, पनीर उसमें दिखने लग जाएगा, छेना बन जाएगा उसका। उसको फिर हम एक मलमल के कपड़े पर छान लेंगे और जो हमारा छेना निकलेगा उसको हम हाथी हाथी रख लेंगे, आपकी इस तरह से शेप में आ जाएगा। उसको हम टाइटली पूरा का पूरा निचोड़ देंगे, जो रस है उसका पानी है वो पूरा अलग हो जाएगा। ये पनीर भी है मेरा करीब 250 ग्राम, 1 लीटर दूध से निकला हुआ पनीर। अब मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसमें हमने कुछ नहीं डाला है, घी ऑयल कुछ नहीं डालेंगे हम। अब इसमें हम जो हमारा पनीर है उसको डाल देंगे और ये जैसे ही गर्म होने लगेगा ये आपका छिलका जाएगा पनीर। इस तरीके से बस आप इसी स्टेज पर आराम से चीनी डाल दीजिए। आप चीनी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बन जाती है ये। अब इसमें अच्छे से पनीर को सारे मिक्स कर दीजिए और क्या होगा, जो आपकी चीनी है वो चाशनी बनाने लग जाएगी। और जब ये गाढ़ापन इसमें आ जाएगा तब आप इसको गैस को बंद कर दीजिएगा। ये देखिए, चीनी आपकी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है और आपको साइड में बुलबुले दिख रहे होंगे। ये तो जो आपकी चीनी है वो पूरी चाशनी बन चुकी है। बस अब हम इसके थिक होने का वेट करते हैं और फिर हम गैस बंद कर देंगे। क्योंकि देखिए जगह भी छोड़ने लग गया है साइडों से, इसका मतलब आपका ये बनकर रेडी है और हम 2 मिनट में इसको बंद कर देंगे। और जो गैस है वो मैंने हल्की ही रखी हुई है। देखिए ये अच्छे से हमारा पूरा जगह छोड़ रहा है बर्तन, और पनीर मैं अलग कर रही हूँ तो साइड में हो रहा है सब। अब इस स्टेज पर हम गैस को बिल्कुल बंद कर देंगे। अब मैंने एक प्लेट ले ली है और उस पर अच्छे से जो घी है, देसी घी लेना है, उससे हम अच्छे से घी को स्प्रेड कर देंगे। और जो हमारा ये पूरा बैटर है इसको हम इसमें फटाफट से फैला देंगे। अब हम स्पैचुला की मदद से इसको पूरा अच्छे से दबा देंगे, एक शेप में ले आएंगे। और जो पिस्ता है वो भी मैंने रेडी कर दिया है। देखिए अच्छे से इसको पूरा स्प्रेड कर देंगे। अब जो हमारा पिस्ता है उसको मैंने कट कर लिया है और इसके ऊपर हम स्प्रेड कर देंगे और स्पैचुला की हेल्प से इसको फिर से हल्के हाथ से दबा देंगे। इसको इस तरीके से हल्का हल्का प्रेस कर देंगे, इससे जो आपका पिस्ता है वो इसके अंदर अच्छे से चिपट जाए, नहीं तो ये नहीं चिपकेगा। अब इसको हम फ्रिज में रख देंगे और जमने तक इसका वेट करेंगे। फ्रिज में से निकाल ली है, अब इसके हम पीसेस कट कर लेंगे। आप किसी भी शेप में कट कर लीजिए, बट जो मार्केट में मिलता है वो आपको नॉर्मली रेक्टेंगल शेप में मिलता है और ये
दूध से बनी हुई होती है मिठाइयाँ, तो इनको हम क्या है नॉर्मली फ्रिज में रखते हैं। इससे क्या होता है आपका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आता है और अच्छे से जम के आती है। मैंने सभी पीसेस कट कर लिए हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे पीसेस को। देखिए कितनी बढ़िया बनके रेडी हुई है आपकी ये। ये मेरा बनकर रेडी है। मैंने इसमें कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं की है, ओनली टू इंग्रेडिएंट्स, पनीर और चीनी। तो आप इसे बनाइए और बताइए कैसा लगा मेरा वीडियो दोस्तों आपको। मेरे इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलेगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।